गांव में तो रिएक्शन यही है कि जनरली लोगों को इतना पता नहीं होता कि MBBS वगैरह के बारे में, तो सब यही बोलते हैं थालो छोड़ के भाई नौकरी लाग गए। अगर एक साल में नेट को क्रैक करना है तो पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करनी होगी, अगर इधर उधर का ज़्यादा पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। करता तो कम ही हूँ, ज़्यादा तो वो एक्टिविटीज़ करता हूँ जिनमें सिटिंग होती है थोड़ा ऐसी। बच्चे जब पढ़ाई करते हैं नीट की तो कई बार ग्रुप में पढ़ाई करते हैं, कई बार सिंगल सिंगल बच्चा पढ़ाई करता है, विच वन इज बेटर? आज से पढ़ने वाला आकाश आज एक बेहतरीन रैंक के साथ आप सभी के बीच में है। सीकर शहर के पास के ही परडौली छोटी गांव के गोपाल जी गिरदावर के परिवार में जन्मा आकाश आज विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। आकाश के एक बड़ा भाई है, एक बड़ी बहन है, और आज के दिन आकाश अच्छी रैंक के साथ नीट का अचीवर बना हुआ है। आकाश आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक सर। तो आकाश बताएं कि 12वीं के साथ बच्चे को नीट में अच्छी रैंक हासिल करनी हो तो किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है? एक तो सर जरूरी नहीं कि नीट या IIT की प्रिपरेशन हो, किसी भी अगर कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी होती है तो 6th या 7th क्लास से प्री फाउंडेशन में एडमिशन करा देना चाहिए, ताकि 6th 7th से ही, ताकि बेस स्टूडेंट। आपने 8वीं से लिया तो नए बच्चों को 6th 7th की बोल रहे हैं। क्लास में आता उससे पहले 7th क्लास से प्री फाउंडेशन शुरू नहीं था। जी जी जी, तो आपने एकदम शुरुआत से शुरू कर दिया। तो बताएं उन चीजों से आपको बेस तैयार करने में कितना वास्तविक फायदा मिला? जनरली 11th क्लास में जब बच्चे आते हैं तो उनके शुरू में मार्क्स ज़्यादा नहीं आते, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं, लेकिन प्री फाउंडेशन के कारण मेरे पहले टेस्ट से ही मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। कितने मार्क्स आए पहले टेस्ट में आपके? पहला टेस्ट था तो 480 नंबर का माइनर टेस्ट था, तो उसमें 475 मार्क्स थे, 5 नंबर कटे। और दूसरे में जब 720 का वाता है, फिर उसके बाद कंटिन्यूस फ्लक्चुएट होते हैं, लेकिन 680 प्लस ही रहते थे। 680 प्लस बराबर रहते, बहुत अच्छा। आकाश एक और महत्वपूर्ण चीज़ सामने आती है कि ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं जिनको टाइम पर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, और वो बच्चे जैसे छोटी क्लासों में प्री फाउंडेशन या 11वीं में फाउंडेशन शुरू नहीं कर पाते, 12वीं के बाद तैयारी शुरू करते हैं, उन बच्चों को एक साल में नीट क्रैक करने के लिए क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? अगर एक साल में नीट को क्रैक करना है तो पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करनी होगी, अगर इधर उधर का ज़्यादा पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करें, बहुत ही बेहतरीन, अनावश्यक चीज़ों में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएं। तो आकाश बताएं डॉक्टर बनने की आपने कब सोची? जब तक 8th क्लास में था तब तक तो यही सोचता था कि 11th क्लास में मैथ्स लेनी है, फिर 9th क्लास में ये सोचा कि बायो लेंगे, और 10th तक तो फाइनल डिसीजन ले लिया था। जी जी, तो आज आप अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हुए हैं, तो परडौली छोटी गाँव में लोगों का क्या रिएक्शन है? गांव में तो रिएक्शन यही है कि जनरली लोगों को इतना पता नहीं होता कि MBBS वगैरह के बारे में, तो सब यही बोलते हैं थालो छोड़ के भाई नौकरी लागो ने। नौकरी लागो ने, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा। तो आकाश अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि बच्चे जब पढ़ाई करते हैं नीट की तो कई बार ग्रुप में पढ़ाई करते हैं, कई बार सिंगल सिंगल बच्चा पढ़ाई करता है, विच वन इज बेटर? ग्रुप स्टडी। आपने किस चीज़ पर जोर दिया? मैं रहता तो बाहर रूम लेकर था, लेकिन जनरली हॉस्टल वाले बच्चों से इंटरेक्शन रहता था, तो हमारा एक अच्छा ग्रुप था, और उससे फ़ायदा यह होता है कि सारी चीज़ें अकेला बच्चा कवर नहीं कर पाता, तो कुछ चीज़ें दूसरे बच्चे कवर करते हैं तो वो चीज़ें भी अपन को पता चल जाती है। बहुत अच्छा। तो रूम लेकर जब आप आकाश रहे तो मोबाइल फ़ोन तो रखा होगा आपने? ना, मोबाइल फ़ोन नहीं था। कीपैड वाला सिंपल भी नहीं रखा? ना, कोई फ़ोन नहीं रखा आज के दिन? अब तो है, अब तो है। तो बताएं कि अक्सर बच्चे मोबाइल फ़ोन का बहुत ही कॉमन तरीके से आज के दिन इस्तेमाल करते हैं, तो उसके क्या सकारात्मक पहलू हैं और क्या नकारात्मक पहलू हैं? 11th 12th क्लास में जब तक बच्चा पढ़ता है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो कुछ है नहीं, क्योंकि जनरली क्लासेस ऑफलाइन चलती है, और अगर डाउट पूछना होता है तो टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, तो इंटरनेट वगैरह की ज़रूरी नहीं है, और अगर फ़ोन पास में होगा तो सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करेगा तो बाहर की चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता चलेगा। फेसबुक आईडी बनाई है आपने? अब बनाई है। पहले फेसबुक आईडी नहीं थी, मोबाइल ही नहीं था तो फेसबुक आईडी भी नहीं थी। तो आकाश फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ना चाहूँगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीन सब्जेक्ट होते हैं, कौन से सब्जेक्ट को बच्चे को सबसे ज़्यादा नीट के लिए फोकस करना चाहिए? वैसे तो तीनों सब्जेक्ट को बराबर ही फोकस करना चाहिए, और जनरली बच्चों के साथ फिजिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो जो सब्जेक्ट ज़्यादा वीक हो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे ताकि वो भी स्ट्रांग हो जाए, और वैसे बायो का ज़्यादा वेटेज है तो कोशिश यही करनी चाहिए कि बायो के अंदर तो कम से कम 330 प्लस तो हो ही। आपके बायोलॉजी में कितने नंबर रहे? जब
अभी नीट के अंदर तो एक क्वेश्चन गलत था और जो लास्ट के टेस्ट होते थे तो उनमें जनरली 330 प्लस ही होते थे। जी जी, और मेन एग्जाम में आपने 355 आउट ऑफ 360 मार्क्स हासिल किए। ठीक है, तो आकाश ये बताएं कि MBBS में सिलेक्शन आपका होना ही है, अच्छा मेडिकल कॉलेज आपको मिलना ही है, तो आगे जाकर आप भविष्य में क्या बनना चाहेंगे? अभी फिलहाल तो उस बारे में कुछ सोचा नहीं है। ज़्यादा नहीं सोचा, तो चलो कौन कौन से शौक आप अपनाना चाहेंगे, मेडिकल कॉलेज में जाएंगे क्या शौक अपनाना चाहेंगे? जितने भी हो सारे पूरे करने। जी जी, तो क्या आपको मूवी वगैरह देखने का शौक है? तो कितने मूवीज आपने देख ली? पिछले दिनों मैंने सुना कि नीट के एग्जाम के बाद आपने मूवी देखने का बहुत बड़ा चस्का लगाया। नीट के एग्जाम के बाद तो एक बार तो काफी ज्यादा देखी थी, अब धीरे धीरे कम कर दी क्योंकि शौक पूरा होने लग गया। शौक पूरा होने लग गया और अभी उतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता। तो परिवार में लोगों को पता चला कि अच्छी रैंक के साथ आप सिलेक्ट हो रहे हैं, तो पापा जी का क्या रिएक्शन है, मम्मी का क्या रिएक्शन है? बस सारे बहुत खुश है। सारे बहुत खुश है। नेक्स्ट आकाश, मैं ये पूछना चाहूंगा कि ग्रामीण परिवेश से आप आते हैं, तो ग्रामीण परिवेश में बच्चों की मूल समस्याएं क्या रहती हैं आगे बढ़ने में? पहले तो ये होता है कि 10th क्लास तक बच्चों को पता ही नहीं होता नीट IIT के बारे में। अब तो फिर भी कोचिंग कार सीकर में ज़्यादा माहौल हो गया, तो इस वजह से सारे बच्चों को पता लगने लग जाता है और घर वाले भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते इन चीज़ों पर। तो क्या सुझाव देना चाहेंगे, ग्रामीण परिवेश में एक अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा है तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज आपका इस वीडियो के माध्यम से? उनके लिए तो यही मैसेज है कि जल्दी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ताकि बेस स्ट्रांग हो, क्योंकि आज के टाइम पर कंपटीशन बहुत ही स्ट्रांग है। अब अगर कोई ये सोचता है कि मैं 12th के बाद किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करूँ तो उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर आपको क्या, अब आप सिलेक्ट होंगे तो कौन से शौक में सबसे ज़्यादा रुचि रखना चाहेंगे आप? कोई मोटरसाइकिल चलाना, मोबाइल यूज करना, मूवी देखना, खेलना, किस चीज में ज्यादा रुचि रखेंगे? खेलता तो कम ही हूँ, ज्यादा था तो वो एक्टिविटीज करता हूँ जिनमें सिटिंग होती है, थोड़ा आलसी ज्यादा हूँ। आलसी ज्यादा है, तो आप भविष्य में आप अपने आप को एक्टिवेट रखना चाहेंगे गेम्स वगैरह के माध्यम से? कॉलेज में जाने के बाद कौन सा खेल खेलेंगे? कोई वॉलीबॉल, बास्केटबॉल वगैरह। तो बास्केटबॉल की ड्रिबलिंग वगैरह की है कभी? हाँ, यहाँ स्कूल में उतना खेलना नहीं आता, पर बच्चों के साथ खेल तो लेते थे। खेलते रहते। तो आकाश बहुत अच्छा, PCP की तरफ से पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ, और निश्चित रूप से आपने एक माइलस्टोन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, 12वीं के साथ 695 मार्क्स हासिल करके बेहतरीन रैंक आपने हासिल किए, आपको फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ।